नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टार 70 न्यूज। खबर भदोही से। लंबित विकास कार्य को चालू कराने आदि को लेकर पूर्व विधायक ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। सीएम के नाम संबोधन ज्ञापन 15 दिन के अंदर कार्य चालू ना होने पर व तैयार विकास कार्य को शुरू ना कराए जाने पर दी आंदोलन की चेतावनी। भदोही। समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक जाकिर बेग ने शनिवार को एसडीएम से मुलाकात कर उन्हें मुख्यमंत्री के नाम संबोधित 10 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने सीएम से मांग की है कि जो विकास कार्य पूर्व के सपा सरकार के कार्यकाल में बन चुके हैं उसे चालू कराया जाए, जो अधूरे व लंबित हैं उनका निर्माण हो, इसके लिए 15 दिन का समय दिया गया है। समय पर नहीं कार्य शुरू हुआ तो आंदोलन की चेतावनी दी गई। इस दौरान पूर्व विधायक श्री बेग ने कहा कि समाचार पत्रों व टीवी न्यूज चैनलों के माध्यम से लगातार प्रदेश में विकास को गति देने की बात कही जा रही है। प्रदेश में भाजपा की सरकार बने 3 साल हो चुकी है। भदोही जिले में पूर्व की अखिलेश यादव की सरकार द्वारा तमाम विकास कार्य कराए गए, जिसमें 80% तैयार हो गई। उन्होंने कहा कि जिसमें से महाराजा बलवंत सिंह राजकीय चिकित्सालय में 100 शैया का हॉस्पिटल, इंदिरा मिल ओवरब्रिज, परिवहन बस डिपो, कारपेट एक्सपो मार्ट व दुर्गागंज CHC का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। सभी के लिए 15 दिन का समय दिया गया है, नहीं तो सड़क पर उतर कर इसके लिए आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। स्टार 70 न्यूज की कवरेज, ओबेदुल्ला असरी की रिपोर्ट। मीडिया में लगातार आ रहा है कि विकास उत्तर प्रदेश में का विकास कार्य हो रहा है। आज देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि आपको उत्तर प्रदेश से सबक लेना चाहिए, तो मैं दिखाना चाहता हूँ देश के प्रधानमंत्री को और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को कि पूर्व की सरकार माननीय अखिलेश यादव जी कार्यकाल में भदोही जिले की मैं बात करना चाहता हूँ, जो काम हुआ था अभी तक उसको पूरा नहीं किया गया, चाहे एक्टो मार्ट हो, आप वर बीज इंदिरा मिल पे मुख्यमंत्री योगी नाथ जी खुद उस पर गए हैं, आज तक सर्विस लेन एक एक दो दो फीट गड्ढा हुआ सर्विस लेन पर, भदोही से मिर्जापुर फोर लेन मुख्यमंत्री जी उस पर खुद जा चुके हैं मुख्यमंत्री होने के बाद, आज भी पूरा नहीं किया गया। पूरा छोड़ दीजिए, खंबा नहीं उखाड़ा जा चुका जा सका। भदोही अस्पताल 100 तरीके का अस्पताल बनकर तैयार है। इस महामारी में भी सरकार के जू नहीं रखी कि उसमें सुचारू रूप से इस महामारी में 100 तरीके का अस्पताल चलाया जा सके। यहाँ तक कि रोडवेज बस स्टैंड सपा की सरकार में बनकर तैयार था, आज तक उसको चालू नहीं किया गया। भदोही में संपूर्ण पानी निकासी के लिए समाजवादी पार्टी सरकार में प्रबंधक जल समिति द्वारा 250 करोड़ की लागत से प्रोजेक्ट तैयार किया गया, शासन में भेजा गया, आचार संहिता लगने के बाद उसको धनमुक्त नहीं हो सका। आज तक फाइल शासन में पड़ी हुई है, अगर हो जाता तो आज जाम की जो जल निकासी की समस्या भदोही जिले की है पूरा हो जाता।